दमिश्क में जाकर हमला किया गया है वो एक बड़ा डेवलपमेंट है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई है। शराब नीति घोटाला मामले में संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी और वो तिहाड़ जेल में बंद थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत की खबर जरूर आई है सामने, जहां सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को साजिश के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। संजय सिंह जो कुछ समय से तिहाड़ जेल में बंद थे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, उन्हें अब राहत मिली है। बड़ी खबर के लिए, अपडेट के लिए मैं पीयूष का रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, अपडेट दे जरा। जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत प्रदान कर दी है और ये कहा है कि वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि आखिर उन्हें जेल में क्यों रखा गया है, और आप स्पष्ट जवाब दें कि क्या आगे उन्हें जेल में रखे जाने की जरूरत है। और जब ईडी ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा तो सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ कि आगे संजय सिंह को जेल में रखे जाने की जरूरत है, और इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत प्रदान कर दी है और ये कहा है कि जो जमानत की शर्तें होंगी वो ट्रायल कोर्ट स्पष्ट करेगी। और अब इस मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी है, आगे ट्रायल के दौरान भी वो जमानत पर रहेंगे। अगर उनकी ओर से कोई उल्लंघन नहीं किया जाता है जो शर्तें ट्रायल कोर्ट की ओर से रखी जाएंगी जमानत की, अब इस मामले में संजय सिंह को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। लगातार उनकी ओर से ये कोशिशें की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर उस निचली अदालतें। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच सोमनाथ भारती का रिएक्शन सामने आ रहा है, वो कुछ कह रहे हैं, सुनते जरा। उनके अगेंस्ट हो चुकी है और इसी कारण से ईडी ने आज ये सबमिट किया कोर्ट में। अब धीरे धीरे करके हर कोई समझ पाया है कि भाजपा ने अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से देश के एजेंसियों पे कब्जा करके अपना उल्लू सीधा किया है। राजनीतिक कारणों से जो इस प्रकार के एक माहौल पैदा करने का प्रयत्न किया कि भाई राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दो, ईडी को वसूली का साधन बनाओ, आज इनका ये पूरा नकाब इनका एक्सपोज हो चुका है। संजय सिंह इज आल्सो अलाउड टू इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज नाउ, ही हैज टू बी बिकॉज देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट एनी ऑफ आवर लीडर्स, नीदर मनीष सिसोदिया नॉर संजय सिंह नॉर सतेंद्र जैन नॉर केजरीवाल साहब। सो दैट इज व्हाई द कोर्ट हैज टू, आई मीन दे सॉ द ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ देम दैट हाउ ईडी वाज मिसयूज्ड बाय बीजेपी for their own political interest. Court has said that nothing has been restored, recovered and there is no trace. Yes, so finally truth has come out. सच को दबा सकते हैं लेकिन डिले कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। सच आज आगे आ चुका है। सोमनाथ भारती जी, आपके लिए आज उम्मीद की किरण जो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आई, कैसे लेते हैं इस फैसले को? आखिरकार सच की जीत होगी ही। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से हमें न्याय का उम्मीद है। अब हर प्रकार से हर व्यक्ति को देश में मालूम पड़ गया कि भाजपा ने राजनीतिक कारणों से ईडी का दुरुपयोग किया, ईडी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सबूत सारा भाजपा के खिलाफ है। तो आज सच की जीत हुई है और माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि सही समय पर सही फैसला आ गया है। अब भाजपा 2024 का चुनाव बड़ी बुरी तरह हारेगी, जनता बताएगी किस प्रकार से आपने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। क्या और नेताओं के लिए भी आपको दरवाजा खुलेगा? मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, उनके लिए रास्ता खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा, क्योंकि जब एक चूंकि सबकी स्थिति एक ही एक जैसी थी, किसी के पास भी कोई प्रमाण नहीं था, किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं था।
तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार है सोमनाथ भारती, जिनकी तरफ से तमाम बातें कही गई है। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद उनकी तरफ से कहा गया है कि ईडी का मिसयूज किया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए, और आज सच सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। पीयूष, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, संजय सिंह को जमानत के साथ ही आप कह रहे हैं कि कुछ शर्तें भी होंगी जिनका उल्लंघन वो नहीं करेंगे तो उनके लिए आसानी रहेंगी, क्या होंगी वो शर्तें, क्या वो शर्तें सामने आ गई हैं, किन शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत मिली है? जी प्रतिमा, देखिए जमानत की जो शर्तें हैं वो ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया है कि क्या शर्तें रखी जाएंगी। ये शर्तें बेसिकली जो बॉन्ड होता है या फिर जो जमानतगीर होंगे उनकी तरफ से जो जमानत लेंगे कि अगर संजय सिंह जमानत पर रहेंगे तो उनकी ओर से किसी भी तरह से जो ट्रायल है उसमें पूरी तरह से सहयोग दिया जाएगा, जाँच में सहयोग दिया जाएगा, इस तरह की शर्तें होती हैं, और उन शर्तों के उल्लंघन पर ही जो जांच एजेंसी होती है वो फिर से मांग कर सकती है कि किसी भी तरह से अब इस आरोपी को जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता है। तो वो स्थितियां ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाएंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संजय सिंह को जमानत प्रदान कर दी है। उन्हें पिछले साल अक्टूबर में हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी और उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। लगातार वो जेल में थे तब से, और उनकी ओर से कई प्रयास किए गए थे लगातार कि वो जमानत पर बाहर आएं और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दें। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी और राजनीतिक गतिविधियों को करने का जमानत के लिए, पीयूष मैं ये समझना चाहूंगी क्या ग्राउंड्स रखे गए थे, अगर संजय सिंह के वकीलों की बात करें उनकी तरफ से क्या ग्राउंड्स रखे गए और क्या ईडी की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया जब जमानत के लिए मूव किया गया कोर्ट को? तो हमारे साथ लाइव पर वकील संजय सिंह के हैं, साथ में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो ईडी की ओर से जब अपना जवाब दिया गया तो ईडी ने क्या कहा? देखिए, ईडी अभी सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी सुनवाई थी, पहले हाफ में संजय सिंह के द्वारा आर्ग्यूमेंट किया गया, कोर्ट ने लंच से पहले ये कहा कि जो आरोप हैं वो पुख्ता नहीं लग रहे हैं, तो क्या आप इसमें इंस्ट्रक्शन लेके बताएंगे कि इनमें आपको बेल देने में कोई ऑब्जेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि जो आरोप आपने लगाए हैं उस आरोप में कोई जो है तथ्य जो है वो गंभीर नहीं लग रहे, आगे जेल में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद लंच के बाद ईडी के वकील आए और उन्होंने ये कहा कि इनको बेल दे दी जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा। फिर इस बात को मानते हुए माननीय अदालत ने संजय सिंह को बेल प्रदान, अब वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां पूरी कर सकेंगे। हाँ, कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकते। एक अंतिम सवाल की ट्रायल कोर्ट क्या शर्तें रख सकता है जमानत की? कोई शर्त जो नॉर्मल शर्त है अभी, क्योंकि अगर शर्त ऊपर की कोर्ट से कोई निर्धारित होती तो ट्रायल कोर्ट उसमें जो है कोई हस्तक्षेप करती, लेकिन जो जमानत की राशि को लेकर है या फिर जमानती को लेकर है वो शर्तें जो है ट्रायल कोर्ट के द्वारा निर्धारित की जाएगी। बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना प्रतिमा कि अब जी जी अब ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत की शर्तें तय की जाएंगी और उसके बाद इस मामले में जो संजय सिंह हैं उन्हें अब जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सामने है, वो सवाल ये है कि क्या जो जिस ग्राउंड पर संजय सिंह को जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, क्या वो ग्राउंड मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के मामले में भी देखा जा सकता है कि इसी बिना पर उनके लिए भी यही फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, अगर वो बेल के लिए मूव करते तो? देखिए, सभी मामले अलग अलग हैं और सभी पर आरोप अलग अलग हैं, चूंकि गवाहों के बयानों के आधार पर सभी की गिरफ्तारियां की गई हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हैं, तो हर एक मामला अलग है। इस मामले में शराब नीति घोटाले में सभी पर जो आरोप हैं वो गवाहों के बयानों के आधार पर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बेसिस पर हैं, तो उसी आधार पर जमानत प्रदान करती है अदालत। अब चूंकि इस मामले में आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आखिर क्या आगे इस मामले में संजय सिंह को जेल में रखा जा सकता है, जबकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन्हें भविष्य में जेल में रखे जाने की जरूरत है, तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ईडी ने अपना जो जवाब दिया उसमें ये सीधे तौर पर था कि हाँ, संजय सिंह को अब जेल से बाहर रखा जा सकता है, और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान करते हुए
ये कहा कि अब ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत की शर्तें तय कर दे और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को वो अंजाम दे सकते हैं। तो प्रतिमा, कुल मिलाकर के हर एक मामला जो शराब नीति घोटाले में जिन भी आरोपियों को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, सभी के पहलू अलग अलग हैं, सभी के खिलाफ जो आरोप हैं उनकी कड़ियाँ हैं और उन कड़ियों के आधार पर ही अदालत गौर करती है कि किस आधार पर उन्हें जेल से बाहर रखा जा सकता है या फिर उन्हें जेल के अंदर ही रखा जाए। और जो जांच एजेंसी है यानी कि ईडी है, वो भी उसी आधार पर कोर्ट को ये बताती है कि हाँ, अमुक आरोपी को जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता। जबकि संजय सिंह के मामले में ईडी ने ये आज स्पष्ट कर दिया कि हाँ, उन्हें जेल के बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जब पहले सुबह सुनवाई हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था ईडी से कि आप आकर 2 बजे बताएं हमें कि आगे अब क्या संजय सिंह को जेल में रखे जाने की ज़रूरत है। तब आकर के ईडी ने ये साफ किया कि जो तथ्य हैं उसके आधार पर संजय सिंह को जमानत प्रदान की जा सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो कड़ियाँ हैं उनके आधार पर हर एक आरोपी का मामला अलग है, उसके खिलाफ आरोप अलग हैं और ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही अदालत जमानत प्रदान करती है। तो जो मनीष सिसोदिया हैं उनका मसला अलग है, अरविंद केजरीवाल का मसला अलग है और संजय सिंह का जो आरोप और जो उनके खिलाफ जो सारे तथ्य हैं वो अलग हैं। तो उन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही अदालत ने जमानत प्रदान की है। और अगर कोई अन्य आता है यहाँ पर जमानत मांग करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ जो आरोप हैं और जो तथ्य हैं उन पर गौर करते हुए अदालत अपना आदेश जारी करेगी। जी प्रतिमा, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, 6 महीने बाद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। 6 महीने से वो जेल में थे, शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन पर लगे हुए थे। लेकिन साफ तौर पर हमारे सहयोगी पीयूष इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि ईडी के जो वकील है उनसे जब पूछा गया कि जमानत के लिए मूव किया गया है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, तो उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया। ऐसे में एक बड़ी राहत लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए भी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह एक बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी के लिए आया है। लेकिन यह साफ कर दिया है पीयूष, एक बार फिर से दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आरोप चूंकि अलग अलग है, मामले की गंभीरता अलग अलग आरोपों में अलग अलग है, तो ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि जो फैसला संजय सिंह के केस में आया है, जैसे उन्हें जमानत मिली है, वो बाकियों पर भी लागू। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए हर एक मसला, हर एक आरोप और हर एक जो एविडेंस है उसकी जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए, स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ये तय करती है कि किस आरोपी को जमानत दी जाए और किसको नहीं दी जाए। तो ऐसी स्थिति में जबकि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, तो आम आदमी पार्टी के जो शराब नीति घोटाला मामले में जेल में अन्य आरोपी या नेता बंद हैं उनको जमानत ज़रूर इसी आधार पर मिल जाएगी, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एक मामले की स्थिति अलग है और हर एक जो आरोपी है उसकी भूमिका अलग है। तो ऐसी स्थिति में जबकि हर एक व्यक्ति की भूमिका अलग है, तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अदालत हर एक मामले पर अलग अलग तरीके से स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करती है और उसी आधार पर जमानत तय करती है। इस मामले में लगातार कई मौक़ों पर सुनवाई हुई और अभिषेक मनु सिंह भी जो संजय सिंह की तरफ से पेश हुए, उन्होंने अप्रूवर्स के बयानों के मामले पर ये स्थिति स्पष्ट की थी कि सिर्फ अप्रूवर के बयानों के आधार पर लगातार जेल में नहीं रखा जा सकता। और इसके बाद आज जब ईडी की ओर से तर्क दिए जा रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये स्पष्ट बताने को कहा कि क्या आगे संजय सिंह को जेल में रखा जाए, क्योंकि इस मामले में वो पिछले 6 महीने से जेल में है, अक्टूबर 2023 से जेल में है, तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें आगे जेल में रखा जा सकता है। तब ईडी ने 2 बजे आकर के ये स्पष्ट किया कि उन्हें आपत्ति नहीं है। जी प्रतिमा, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच जीत भाटी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुख्यमंत्री आवास से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी राहत लेकर आया आज सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ ये फैसला जिसमें जमानत मिल गई है संजय सिंह को, सबसे पहले किस तरीके के रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज ही अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगा दिए कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप तो पार्टी लगाती ही रही। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर शुरुआत जो आज के दिन की शुरुआत है सुबह 10 बजे आरोपों से हुई और उसके बाद में तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पहुँचे, मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूँ। और ऐसे में जैसे यहाँ से मीटिंग खत्म करके लोग निकल रहे थे, इसी बीच खबर आई सुप्रीम कोर्ट से कि आम आदमी पार्टी की जो मुखर आवाज़ रही है, जो सांसद है संजय सिंह,
उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। और इस पर हमने सोमनाथ भारती से बात की, आपने सुना, उन्होंने इसको संविधान की जीत बताई है। कुल मिलाकर देखें तो एक आम आदमी पार्टी जो है इसे संजीवनी बूटी की तरह मान के चल रही है कि जिस समय जो पार्टी का चल रहा है तो अब जो लीडर्स हैं वो जेल के अंदर बंद है, तो ऐसे में संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी इस तरीके से देख रही है, क्योंकि पीएमएलए का ही मामला है, आबकारी मामला है। ऐसे में जो पैरोटी है उस पर जो अन्य आरोपी हैं उनको भी जमानत मिल सकती है। मसलन अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया जो है वो इसी मामले में जेल में बंद है, विजय नायर वो आबकारी मामले में बंद है, और अभी 21 तारीख को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन जीत इस वक्त की एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी खबर आई है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। जितेंद्र, बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संभव है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस मुद्दे पर तो होगी, संजय सिंह कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए संजय सिंह के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमने भी जब प्रतिक्रिया लेनी चाही तो हमने भी नेताओं से संपर्क किया, तो हमें बताया गया कि 3 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आतिथ्य सौरभ और साथ में साथ जो जैस्मिन शाह हैं ये तीनों एक साथ बैठेंगे और यहाँ पर ये बात रखी जाएगी। मैं आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त, संजीव झा हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक। संजीव जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया ही चाहूंगी आपकी, संजय सिंह को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, सत्यमेव जयते, मुझे लगता है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, आज ये साबित हुआ। मुझे लगता है कि ये बिल तमाम साजिशकर्ताओं के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है कि लगातार 1.5 साल से किस तरह से ये झूठे केस में फंसा करके गुमराह न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। अब मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समझ में आ गया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी केवल गुमराह कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दिन है और हम आम आदमी पार्टी परिवार के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। इस फैसले के बाद क्या उम्मीद भी जगी है संजीव जी कि आप यही उम्मीद, यही राहत आपको मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल के मामले में भी मिल सकती है, क्योंकि लगातार पार्टी ये कह रही है कि कोई सबूत है नहीं जिसके बिना पर इतने लंबे समय से जेल में रखा गया। आज की भी सुनवाई आप देखेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपके जो स्टार विटनेस हैं उसके बयान का कुछ कोई किसी तरह कोई कॉरोबोरेशन नहीं है, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप जेल में कब तक रखेंगे? इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जेल में कब तक किसी को बंद रखेंगे आप? तो मुझे लगता है कि देखिए, न्यायालय को गुमराह सरकार के द्वारा की जा रही थी, उनकी एजेंसी के द्वारा करवाई जा रही थी, लेकिन एक दिन न्यायालय को भी सच पता चल गया है और चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि बाकी भी केसेज में इसी तरह से रिलीफ मिलेगी, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव झा बता रहे हैं कि साजिशकर्ताओं के मुंह पर ये जोरदार तमाचा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी है संजय सिंह को। एक बार फिर से जितेंद्र भाटी का मैं रुख करना चाहूंगी, वो लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अब कई तरह की बातें कही जा रही है। इतना तो साफ है कि संजय सिंह को जो जमानत मिली है वो विषय रहने वाला है। जीत, बिल्कुल, देखिए वही विषय रहने वाला है। जैसी खबर हम तक पहुंची, हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया और जानना चाहा कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उसके जवाब में बताया गया कि इसको लेकर के तमाम जो बड़े नेता हैं, 3 सौरभ भारद्वाज हैं, आतिथ सिंह हैं, जैस्मिन शाह है, ये तीनों जो है मिलकर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस मामले में अपनी बात रखेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी इस बात को मुखरता से रखेगी कि वो पहले से कह रहे थे उनके नेताओं के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है, केवल वो जो पहले आरोपी थे जिन्होंने लालच में गवाह बनाया और उनके आरोपों के आधार पर ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, तो ऐसे में उसके ऊपर कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी उम्मीद करती है कि जो उसके अन्य नेता जेल में बंद है, मसलन बात करें मनीष सिसोदिया की या अरविंद केजरीवाल की या विजय नायर की, तो उनको भी पैरोटी के हिसाब से अब आगे जमानत मिलने का रास्ता खुल गया है। तो इसे एक संजीवनी की तरह पार्टी मान रही है, क्योंकि देखिए चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम जो चेहरे जो चुनाव के अंदर चुनाव प्रचार करते थे, स्टार कैंपेनर हुआ करते थे, अगर वो जेल में थे तो कौन करता? तो ऐसे में संजय सिंह को, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सकते हैं, हालांकि जो डिटेल्ड कंडीशंस की बात है वो ट्रायल कोर्ट तय करेगा, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को कम से कम ये उम्मीद जरूर जगी है। जीत, आप ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो उठ खड़ा होता है वो ये कि मामला भले ही शराब नीति घोटाले से जुड़ा हो, लेकिन आरोपों की गंभीरता अलग अलग है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो फैसला, जिस तरीके की राहत संजय सिंह को मिली है, हो सकता है कि वैसी राहत अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को ना भी मिले। फिर ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
देखिए दो तरीके की लड़ाई होती है, एक तो लड़ाई होती है कि जो कानून के कोर्ट में लड़ी जाती है, एक होती है परसेप्शन की लड़ाई। कम से कम इस मामले में एक नेता को जमानत मिलना ये आम आदमी पार्टी के लिए एक संकेत की तरह हो सकता है या प्रस्पेक्ट बनाने में बहुत काम आएगा कि देखिए हमारे नेताओं को जो है जमानत भी मिल रही है, क्योंकि कोर्ट भी मान रहा है कि जो सीबीआई या फिर ईडी या फिर जांच एजेंसी या जो बीजेपी पार्टी दावा करती है उनमें दम नहीं है, इसलिए जो है ये जमानत मिली है। तो ऐसा परसेप्शन की बात होगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें पीएमएलए का जो मामला है, उसमें हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि ये जो उदाहरण है वो हर मामले में लागू नहीं होगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कोशिश होगी यही दलीलें दी जाएं कि जब जो कड़ियों को जोड़ने की बात कर रहे थे और उसमें से अगर एक कड़ी साफ निकल के आती है तो इसका मतलब ये लगता है कि जो दूसरी कड़ियां हैं उनके बीच में तार बिठाने की कोशिश जो एजेंसी कर रही है उसमें दम नजर नहीं आता है कि तमाम जो दावे हैं वो किया जाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है इसका खुलासा 3 बजे होगा, जब ये 3 बड़े जो नेता हैं वो एक साथ बैठकर इस मामले में अपना जो वक्तव्य रखेंगे और उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। एक अपडेट TV9 भारतवर्ष पर दर्शकों तक हम पहुंचाते भी रहेंगे। इस बीच सोमनाथ भारती ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। कुछ अंदर बातचीत हुई? देखिए अंदर बातचीत ये हुई कि भाजपा अपने मंसूबों पे फेल हो गई है। जिस प्रकार से भाजपा ने प्रतिज्ञा किया था कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट करने के बाद पार्टी टूट जाएगी, विधायक बिखर जाएंगे, कार्यकर्ता हट जाएंगे, लेकिन रैली हुआ, पहले से कई ज्यादा संख्या में जनता आई, जनता ने सपोर्ट दिखा दिया। तो भाजपा अपने इरादों में बिल्कुल नाकाम साबित हो गई। आज अरविंद केजरीवाल जी को हमने भाभी के जरिए ये बताने का प्रयत्न किया कि आप अरविंद जी को बता दें दिल्ली की जनता पहले से कहीं ज्यादा लामबंद हुई है अरविंद केजरीवाल के नाम पर आज, और जनता कह रही है रिजाइन मत करना अरविंद जी, क्योंकि भाजपा यही चाह रही है कि आप रिजाइन कर दें, सरकार पे कब्जा जमा लें। ये भाजपा देख नहीं रही है कि आज ईडी का दुरुपयोग जो भाजपा ने किया है ना, एज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बना दिया है ईडी को। 2,715 करोड़ इन्होंने इकट्ठा किया है, धमका करके वसूली की है। 55 करोड़ रुपया रेड्डी से इसने लिया, जो शराब का घोटाले का अपराधी था, और उसको बेल दिया। उसके 6 स्टेटमेंट्स में अरविंद केजरीवाल का नाम। आइए अपने सहयोगी पीयूष पांडे का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा भी रहे हैं। अब जो कि जमानत मिल चुकी है, अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए हुए है। एक बार फिर से मैं आपसे वही सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जीत ने भी यही बात बताई कि पार्टी उम्मीद ये जता रही है, क्योंकि ये कोर्ट में शायद कहा गया आप क्लैरिटी से बता पाएंगे कि कोई ट्रेस नहीं मिला, कोई रिकवरी नहीं हुई है, ऐसे में बेल ग्रांट कर देनी चाहिए, ये वकीलों की तरफ से कहा गया संजय सिंह के, और ईडी ने भी इस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो यही वो बाकी मामलों में भी ग्राउंड देने की कोशिश करेंगे पीयूष? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए उम्मीद तो हमेशा जताई जा सकती है, लेकिन इस मामले में जो 1 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप था और इसके अलावा जो पूरा 2 करोड़ रुपए को लेकर के ईडी की ओर से आरोप लगाया गया था, उसको लेकर के जो ट्रेल था वो स्पष्ट नहीं किया जा सका ईडी की ओर से। और लगातार जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे उनकी ओर से ये कहा गया कि ये गवाहों के आधार पर जो बयान थे उनके आधार पर ये आरोप लगाया गया, और ऐसी स्थिति में इसमें आरोप में स्पष्टता नहीं है, जबकि वो लगातार जेल में है संजय सिंह। तो ऐसी स्थिति में जबकि 6 महीने बीत चुके हैं और ईडी की जांच में अभी तक कुछ निकल कर के सामने नहीं आया है, तो वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और इस दौरान उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ निकल के सामने नहीं आया है। अगर कुछ भविष्य में ऐसा होता है तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है, लेकिन मौजूदा समय जो स्थितियां हैं उसके आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। और यही वजह थी कि जब ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर बताने को कहा कि इस मामले में जो स्पष्टता है वो आप 2 बजे दोपहर तक पेश करिए कि आपको आपत्ति है जमानत पर या फिर नहीं है, और अगर आपत्ति है तो आखिर किस आधार पर है, तो वो आधार बताने में ईडी जो है अक्षम रही। और दूसरी बात ये थी कि उसने स्पष्ट कर दिया कि उसे आपत्ति नहीं है जमानत को लेकर के।